नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों और दुकानों की वजह से शहर में लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सोमवार को ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा सिमरिया चौराहे स्थित बस स्टैंड में खड़े वाहनों एवं दुकानदारों को हटवाया गया। इस कार्रवाई को करते हुए कई वाहनों को जब्त भी किया गया। टीम के द्वारा फ्लाईओवर के नीचे अवैध तरीके से लगी दुकानों एवं वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि फ्लाईओवर के नीचे वाहन चालकों के द्वारा अवैध पार्किंग बनाकर वाहनों को खड़ा करने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर कई बार यातायात पुलिस के द्वारा चेतावनी भी दी गई थी, बावजूद इसके वाहनों को खड़ा किया जा रहा था। फ्लाईओवर के नीचे वाहनों के खड़ा होने से कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के अमले के द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई तो कर दी गई, लेकिन कुछ दिनों बाद वहां का नज़ारा फिर से उसी तरह हो जाने वाला है। बताया भी जा रहा है कि सिमरिया चौराहा शहर के व्यस्ततम मार्गों में शुमार है। ऐसे में इस मार्ग के किनारे खड़े होने वाले वाहनों और लगने वाली दुकानों की वजह से शहरवासियों को समस्याओं से दोचार होना पड़ता है। यदि बात की जाए तो शहर में अन्य मार्गों जैसे जैस्टम चौक, अस्पताल चौक, सिटी कोतवाली, रीवा रोड में भी घंटों जाम लगा रहता है, और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के अतिक्रमण के दस्ते के द्वारा यहां भी कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए। किनारे लगा, चाबी निकाल लो, चाबी जमा करो, पहले किनारे लगाओ, इसको अच्छे से लगाओ, तो बोलना ही नहीं चाहिए, चले जुर्माना भरी उधर। पता नहीं था सर। क्या नहीं पता, तीन सवारी नहीं चलते, नहीं पता था। हम तो बात करोगे झापड़ मारूंगा अपने में। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।